कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आंध्र प्रदेश पहुंच चुकी है। अब तक कई नेता इस यात्रा में भाग ले चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये यात्रा जब महाराष्ट्र पहुंचेगी तो बहुत सारे विपक्षी नेता इसका हिस्सा बनेंगे। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस 2024 को साधने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र पहुंचने पर एनसीपी नेता शरद पवार भी राहुल गांधी का साथ देने पहुंच सकते हैं। आम चुनाव से पहले इस यात्रा में पवार के शामिल होने से विपक्षी एकता का संदेश देने की कोशिश होगी। वहीं शरद पवार कांग्रेस की इस यात्रा की तारीफ पहले भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ये यात्रा समाज में सौहार्द स्थापित कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें कांग्रेस नेताओं की तरफ से यात्रा में शामिल होने का न्योता मिला है। वहीं इस यात्रा में अशोक चव्हाण और बालासाहेब थोराट भी यात्रा में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस का ये कारवां 7 नवंबर तक महाराष्ट्र पहुंच सकता है। इसी कड़ी में हमने एक पोल रखा था कि क्या भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। इस पर लगभग 8000 लोगों ने पोल किया, जिसमें 90% लोगों ने कहा कि हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में उद्धव ठाकरे शामिल होंगे, जबकि 10% लोगों ने कहा कि नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में उद्धव ठाकरे शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि शरद पवार ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में राजनीति नहीं लानी चाहिए, जो ऐसा करते हैं वो नादान है। जब मैं BCCI का अध्यक्ष था, गुजरात के प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी थे, दिल्ली का प्रतिनिधित्व अरुण जेटली करते थे और अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि थे। हमारा काम खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान करना है, हम अन्य चीजों को लेकर परेशान नहीं होते। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रविवार के औरंगाबाद दौरे के संबंध में पवार ने कहा, अच्छी बात है कि वो किसानों से मिलने जा रहे हैं, उनकी सेहत में सुधार हुआ है, उन्हें किसानों की मांग राज्य और केंद्र सरकारों के सामने रखनी चाहिए। अगर किसानों को फायदा होता है तो अच्छी बात है। आपको बता दें कि इसी साल जून में यहाँ महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई, जिसमें NCP, कांग्रेस और शिवसेना सहयोगी थे। एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों को साथ लेकर विद्रोह कर दिया था। बाद में उन्होंने भाजपा के समर्थन से सरकार बना ली। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यात्रा में शामिल होने के बारे में अब तक कुछ नहीं कहा। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को शुरू हुई थी और ये यात्रा 150 दिनों में 12 राज्यों में पहुंचेगी। कुल 3,570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। कन्याकुमारी से शुरू हुई यह यात्रा जम्मू कश्मीर में जाकर खत्म होगी। राहुल गांधी इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। अब तक ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक पहुंच चुकी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।